अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम अपने आज के सेशन में जो चैप्टर कवर करेंगे वो हमारे पास चैप्टर 10 यूनिवर्सल डिज़ाइन। बेसिकली यूनिवर्सल डिज़ाइन हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास एक डिज़ाइनिंग इंटरेक्टिव, हमारे पास जो है एक इंटरेक्टिव सिस्टम हम इसमें डिज़ाइन करें जो कि यूज़ किया जाए बाय एनीवन, ठीक है, और जो कि हर रेंज में यूज़ किया जा रहा हो, हर रेंज जो एबिलिटीज़ में हम लोग यूज़ कर सकें, ठीक है। उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो हर प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल हो, जैसे कि अगर हम लोग बस एक ऐसा हम लोग डिज़ाइन क्रिएट करें जो कि हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म में यूज़ किया जा सके, आईफोन में हम लोग, विंडोज़ के लिए हम लोग जो है उसको, एंड्रॉयड, यानी कि हर प्लेटफॉर्म के लिए वो अवेलेबल हो, ठीक है। हम इसके बाद देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड क्या है। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे कुछ यूनिवर्सल डिज़ाइन प्रिंसिपल डिस्कस किए गए हैं जो कि 1990 में हमारे पास डिस्कस किए गए थे यूएसए के थ्रू, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए थे, यानी कि 7 हमें जनरल प्रिंसिपल्स बताए गए थे जो कि क्या थे, इक्विटेबल यूज़, यानी कि हम लोग जो हैं ये इक्वली यूज़ किया जा सके, ठीक है। जो भी हम लोग अपना यूनिवर्सल डिज़ाइन हम लोग क्रिएट करें तो वो बेसिकली क्या हो, जो कि हर किसी के लिए हम लोग यूज़ कर सकें तो वो इक्वली यूज़ किया जा सके, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी इन यूज़ हो, या ठीक है सिंपल हो हमारे पास वो सिस्टम, जो भी हमारे पास जो भी डिज़ाइन है वो क्या हो, सिस्टम वो सिंपल इंट्यूटिव हो, ठीक है, परसेप्टिबल इंफॉर्मेशन हो उसके अंदर के हम लोग उसको इजीली परसेप्टिबल इंफॉर्मेशन मौजूद हो उसमें, ठीक है। टॉलरेंस फॉर एरर, यानी कि उसको वो इजीली टॉलरेट कर सके एरर को, ठीक है। देन लो फिजिकल एफर्ट, यानी कि उसको यूज़ करने में हमारे पास जो भी फिजिकल एफर्ट है वो कम से कम लग रही हो। साइज एंड स्पेस फॉर अप्रोच एंड यूज़, यानी कि उसका साइज और स्पेस जो है वो यूज़ में और अप्रोच कर रहा हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हमारे पास लिमिटेड साइज़ की कोई बात बताई जा रही है तो उस चीज़ के लिए वो लिमिटेड साइज़ का ही, और जो भी साइज़ और स्पेस आप बताएं तो वो उसी साइज और स्पेस के लिए के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है वो डिज़ाइन हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर बात की जा रही मल्टी सेंसरी सिस्टम्स की, ठीक है। मल्टी सेंसरी सिस्टम हमारे पास क्या है, जहाँ पे हम लोग जो है मोर देन वन सेंसर चैनल जो है हम लोग यूज़ किए कर रहे हैं फॉर इंटरेक्शन, ठीक है। उसमें जैसे फॉर एग्जांपल साउंड, टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट, एनिमेशन, वीडियो, गेस्चर एंड विजन, यानी कि ये सब मल्टीपल हमारे पास सेंसर्स है जो हम लोग जो है यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। साउंड भी हम लोग उसमें ऐड कर दें, कोई ऐसा हम लोग इंटरेक्टिव डिज़ाइन क्रिएट करें जो उसमें हमारे पास साउंड भी हो, टेक्स्ट भी हो, हाइपर टेक्स्ट भी हो, ठीक है, एनिमेशंस भी हो, वीडियोस भी हो, गेस्चर्स भी हो, विजन्स भी हो, ये सब उसमें इंक्लूड हो, ठीक है। एंड देन आई यूज इन अ रेंज ऑफ एप्लीकेशन, जैसे कि रेंज ऑफ एप्लीकेशन के लिए वो यूज़ हो, पर्टिकुलरली गुड फॉर यूज़र विद स्पेशल नीड्स एंड वर्चुअल रियलिटी, यानी कि जो स्पेशल नीड के पीपल्स होते हैं, यूजर्स होते हैं, ये उनके लिए हम लोग जो है एप्लीकेशन बेनिफिशियल और कैसे हों ये हम लोग अगली स्लाइड्स में देखेंगे, ठीक है, कि स्पेशल नीड्स हमारे पास स्पेशल यूजर्स के लिए कैसे हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, एंड वर्चुअल रियलिटीज के लिए हेल्प वो हो के उनके लिए मुफीद हो, ऐसे हमारे पास सिस्टम हम लोग क्रिएट करें, ऐसे हम लोग डिज़ाइन क्रिएट करें। विल कवर क्या क्या चीज़ें वह कवर कर रही हूँ, जनरल टर्मिनोलॉजी करें रहे हो, स्पीच करें, नॉन स्पीच साउंड करें और हैंड राइटिंग करें हो। स्पीच तो है हमारे पास सिंपल स्पीच है, ठीक है, नॉन स्पीच साउंड्स की बात की जा रही है यहाँ पे, यानी कि हमारे लोग, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे अब्रॉड में जो है हमारे पास जो है जब हम कोई क्रॉसिंग एरिया गुजरता है, ज़ेबरा क्रॉसिंग होती है, तो वहाँ पर हमारे पास एक सिग्नल की जगह नॉन स्पीच साउंड भी होती है, जहाँ पर हमें ये एक साउंड अलर्ट हो रहा होता है कि हाँ इसके इस साउंड का मतलब है कि आपने लेफ्ट टर्न लेना है, या इस साउंड का मतलब है कि आपने हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मूव करना है, ठीक है। इन शॉर्ट हम ये बात कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल आपने मूव करना है या वर्टिकल मूव करना है, तो वहाँ पे उसकी बरक्स को जो है मल्टीपल साउंड यूज़ की जाती है, कि फॉर वर्टिकल एक साउंड है और फॉर हॉरिजॉन्टल एक अदर साउंड है, ठीक है। कंसीडरिंग एप्लीकेशन एज वेल एज प्रिंसिपल, यानी कि ये जो हमारे पास जो है यूनिवर्सल डिज़ाइन है, ये एप्लीकेशन और प्रिंसिपल्स को कंसीडर करें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यूजेबल सेंसेस, यहाँ पे हमारे पास ये हम सब जानते हैं कि ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो 5 सेंसेस हैं वो यूज़ की जाती हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास साइड वो साइड है, यानी कि हम लोग विजुअल कर सकते हैं, साउंड्स हैं हमारे पास, ठीक है, टच, टेस्ट एंड स्मेल है, ठीक है, आर यूज बाय एवरीडे, ऑब्वियसली बात है एवरीडे हम लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं। एक चीज़ इंपॉर्टेंट ऑन इट्स ऑन, ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास जितने भी ये सेंसेस हैं, जो हमारे पास 5 सेंसेस बताए गए हैं, ये सब जो है अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट है, टुगेदर दे प्रोवाइड अ फुलर इंटरेक्शन विद द नेचुरल वर्ल्ड, ऑब्वियसली बात है ये सारे मिलके हमारे पास जो है एक ओवरऑल नेचर वर्ल्ड को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, एक डायरेक्ट हम उसके
साथ जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं. कंप्यूटर रियली ऑफर सच अ रिच इंटरेक्शन. ऑब्वियसली बात है, जब हम लोग ये बात करते हैं ये तो हमें ह्यूमन सेंसर्स की बात की गई है. तो अगर हम जब कंप्यूटर में बात करते हैं तो ये रियली यानी कि इनमें से सम सेंसर्स वो यूज़ कर रहे हैं और सम सेंसर्स जो है वो यूज़ नहीं कर रहा. या अगर हम लोग इसी बात का आंसर दें कि ये जो है अवेलेबल है सारे सेंसेस, तो आइडियली हम कह सकते हैं हाँ ये अवेलेबल है. पार्टिकुलरली हम कह सकते हैं नो. ठीक है, कहाँ कहाँ ये यूज़ हो सकते हैं, ये साइट साउंड और टच में यूज़ हो रहे हैं समटाइम. ठीक है, लेकिन अगर हम कंप्यूटर के सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास टेस्ट एंड जो हमारे पास स्मेल है वो यूज़ नहीं हो रहा. ठीक है, मल्टी मॉडल वर्सेस मल्टी मीडिया, ये दोनों क्या, मल्टी मॉडल सिस्टम हमारे पास क्या है, वो मोस्टली मल्टी मॉडल सिस्टम को हम कहते हैं कि जहाँ पे मोर देन वन सेंसेस जो है वो यूज़ हो रहे हैं. मल्टी मीडिया क्या है हमारे पास, जहाँ पे हम लोग डिफरेंट मीडिया को यूज़ करें फॉर कम्युनिकेशन. ठीक है, जहाँ पे हम लोग कम्युनिकेट करें अपनी इन्फॉर्मेशन को, वो हमारे पास क्या, मल्टी मीडिया सिस्टम है. ठीक है, मल्टी मॉडल सिस्टम है हमारे पास क्या है, जहाँ पे हम लोग जैसे हम कह रहे हैं मोर देन वन सेंसेस को हम यूज़ करें, जैसे विजुअल एंड ऑरल सेंसेस हम लोग एक साथ यूज़ करें. ठीक है, जहाँ हम लोग आर टेक्स्ट प्रोसेसर जो है वे स्पीक द वर्ड एज वेल एज इक्विंग देम टू द स्क्रीन. जो हमारे पास जो टेक्स्ट प्रोसेस है वो क्या करे, स्पीक भी करे, उसको हम लोगों को राइट भी करते हुए उसको स्पीक भी कर रहा है. ठीक है, और इक्विंग भी कर रहा है उसका. ठीक है, तो दो फंक्शनलिटी भी एक साथ परफॉर्म कर रहा है एट द सेम टाइम. तो हमारे पास क्या, मल्टी मॉडल सिस्टम है. मल्टी मीडिया सिस्टम में क्या है, जहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ डिफरेंट मीडिया जो है हम लोग यूज़ करें फॉर कम्युनिकेशन. जैसे कि हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग सिस्टम की बात करें, वहाँ पे हम लोग क्या करें, मे यूज़ वीडियो, हम लोग वहाँ पे वीडियो भी यूज़ करें, एनिमेशन भी यूज़ करें, टेक्स्ट एंड स्टिल इमेजेस भी यूज़ करें. ठीक है, डिफरेंट मीडिया ऑल यूजिंग द विजुअल मोड ऑफ इंटरेक्शन, यानी कि डिफरेंट मीडिया जो वो यूज़ करें. ठीक है, विजुअल मोड ऑफ इंटरेक्शन यूज़ करें. मे ऑल्सो यूज साउंड्स बोथ स्पीच एंड नॉन स्पीच टू और टू मोर मीडिया. ठीक है, यहाँ पे टू मोर मीडिया भी है ना, यूजिंग अ डिफरेंट मोड, यानी कि आजकल जो हम लोगों के पास मल्टी मीडिया सिस्टम है वहाँ पे डिफरेंट मोड भी हम लोग जो है वो यूज़ कर रहे हैं. इस वक्त लेटेस्ट हम लोग अगर बात करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट मोड भी यूज़ किए जा रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्पीच. स्पीच हमारे पास क्या है, ह्यूमन बींग हैव अ ग्रेट एंड नेचुरल मास्टरी ऑफ स्पीच. ऑब्वियसली बात है कि ह्यूमन बींग की अगर बात की जाती है तो वो तो नेचुरल स्पीच है उसके पास. ठीक है, मेक इट डिफिकल्ट टू अप्रिशिएट दी कॉम्प्लेक्सिटीज बट इट्स एन ईजी मीडियम फॉर कम्युनिकेशन. यानी कि अगर हमारे पास हम कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ रही हैं, ठीक है, कि हम लोग जो है अप्रिशिएट करें इस चीज़ को, तो हमारे पास कुछ डिफिकल्टीज हैं. जैसे अगर हम लोग बात करें कहीं पर हमारे पास एशियन प्रॉब्लम होता है, कहीं पर हमारे पास लैंग्वेज बैरियर होता है, वहाँ पर हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो रही हैं. लेकिन यही है कि हमारे पास जो है ये एक ईजी मीडियम है फॉर कम्युनिकेशन के लिए, कि हम लोग यहाँ पे इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ स्पीच की बात की जा रही है, यहाँ पे हमारे पास फोनीम्स है. फोनीम्स हमारे पास 40 ऑफ देम है. ठीक है, यानी कि हम एक इसकी सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक बेसिक एटॉमिक यूनिट है. आप लोगों ने देखा होगा जैसे हम लोग आजकल के जो प्राइमरी बच्चे स्कूल वो है मॉन्टेसरी लेवल के बच्चे, उनको ये चीज़ें सिखाई जा रही होती हैं, उनको फोनीम्स बताई जाते हैं कि जैसे सिमिलर आवाज़ निकालने वाले बा ता इस तरह वाली जो आवाज़ें हो रही होती हैं. हम लोग डिफरेंट खा करके जैसे खा से कैट बने, खा से जो है हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स बने, जैसे बा से हमारे पास बैट बन रहा है, बैट बन रहा है. ठीक है, तो ये हमारे पास जो है हमारे पास फोनीम्स हैं. ठीक है, साउंड स्लाइटली डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट दे आर इन दीज लार्जर यूनिट्स आर. ठीक है, एलोफेंस हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास क्या है, ऑल दी साउंड इन दी लैंग्वेज, जो भी हमारे पास साउंड लैंग्वेज में आ रहे हैं ये हमारे पास बिटवीन होते हैं 120-130 दीज आर फॉर्म इन टू. ठीक है, ये फॉर्म हुए होते हैं. मॉर्फेम्स हमारे पास क्या होते हैं, ये बेसिकली हमारे पास जो है स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज होता है. ठीक है, जिसके कुछ मीनिंग्स होते हैं. नेक्स्ट मूव करते हैं स्पीच. अदर टर्मिनोलॉजीज हमारे पास क्या है, प्रोसोडी है. ठीक है, ये क्या है हमारे पास, अल्टरेशन इन टोन एंड क्वालिटी. यानी कि हमारे पास प्रोसोडी एक ही चीज़ के हम लोगों के पास टोन एंड क्वालिटी से जो है मायने डिफरेंट हो जाए. ठीक है, तो हमारे पास वेरिएशन इन इम्फेसिस स्ट्रेस उसके बाद पॉज़ेस एंड पिच है. ठीक है, इम्पार्ट मोर मीनिंग टू सेंटेंस. यानी कि हमारे पास क्या है, इसके मोर मीनिंग्स इन टू सेंटेंस है, कि सेंटेंस के जो हम मीनिंग है उनको हम लोग इम्पार्ट करें. ठीक है, इसमें बेसिकली क्या चीज़ है, जैसे हम लोग इसकी एग्जाम्पल ऐसे लें कि अगर आप को किसी ने कोई चीज़ दी है, आप उसको कोई यहाँ कोई ऑफर किया था, आप उसको एक थैंक यू बोल रहे हैं कि आपने उसको थैंक यू बात की है. ठीक है, यानी कि उसको आप थैंक्स करें. समटाइम आप थैंक यू का एक यानी कि टोन चेंज करके अगर आप बोल रहे हैं तो इट्स मीन कि आप उसको नो कह रहे हैं, कि इसका मतलब है कि आप बस उस थैंक यू का मतलब है कि आप उसको नो कहना चाह रही हैं. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सिर्फ अपनी क्वालिटी और टोन में चेंज करें तो हमारे पास जो है एक ही चीज़ के एक ही बात के डिफरेंट मीनिंग हो जाते हैं. उसी का मतलब यस हो रहा है, उसी का मतलब हमारे पास जो है वो नो हो रहा है. को आर्टिकुलेशन क्या है, हमारे पास इफेक्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑन द साउंड. जो भी हमारे पास इफेक्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट
स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन इन फिनोमिनल्स इनटू एलोफोन्स, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं फोनीम्स को इनटू एलोफोन्स को, ठीक है। सिंटेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है हमारे पास, जो हम सिंटेक्स की बात करते हैं वो बेसिकली क्या है, जो भी हमारे पास सेंटेंसेज है उसके स्ट्रक्चर की बात करें, जो हम सिमेंटिक्स की बात करते हैं वो भी हमारे पास क्या है कि किसी भी सेंटेंस का जो है वो मीनिंग है, ठीक है, जो मीनिंग ऑफ सेंटेंसेज यानी कि सेंटेंसेज के मीनिंग। स्पीच रिकॉग्निशन प्रॉब्लम में हमारे पास क्या होता है कि डिफरेंट पीपल स्पीक डिफरेंटली, ठीक है, ये ऑब्वियसली बात है। जब हम बात स्पीच रिकॉग्निशन की बात करें तो हम लोग यहाँ पे बात करें एसेंट की बात करें, हम लोग यहाँ पे जो है डिफरेंट पीपल जो है वो डिफरेंटली बात कर रहे होते हैं, उसमें एसेंट आ जाता है, इंटोनेशन आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, इडियम्स आ जाते हैं, वॉल्यूम वगैरह, ये सब हमारे पास जो है इसमें प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, तो जहाँ पे हम लोग जो है इस प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर रहे हैं। दी सिंटेक्स ऑफ सिमेंटिकली सिमिलर सेंटेंस में वेरी, यानी कि हमारे पास डिफरेंट वो सेम सेंटेंस के जो है वो मीनिंग भी डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है, तो ये भी हमें चीज़ इसमें हमारे पास समथिंग प्रॉब्लम कर रहा था। बैकग्राउंड नॉइसेस जो है वो भी इंटरफेयर कर रहे थे, पीपल ऑफन ओम एंड ए, जो हम लोग सिंपली ओम कर देते हैं, तो इसका भी ये भी हमारे पास जो है एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, कोई एक कंप्लीट वर्ड नहीं है, तो ये भी हमारे लिए जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वर्ड्स नॉट इनफ सिमेंटिक्स एंड नीडेड एज वेल, ठीक है, रिक्वायर इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड अ सेंटेंस, यानी कि हमें कुछ इंटेलिजेंस की जरूरत है जो हमारे पास सेंटेंस को अंडरस्टैंड करे। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अटेंडेंस ऑफन हैज़ टू बी नोन, ऑल्सो इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट एंड स्पीकर, जो भी हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन हो वो भी हमारे पास जो है हो अब किसके बारे में, सब्जेक्ट एंड स्पीकर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास दी वो फोनेटिक टाइपराइटर, ठीक है, ये हमारे पास के बेसिकली फोनेटिक टाइपराइटर हमारे पास एक एग्जांपल है जहाँ पे हम लोग जो है स्पीच रिकॉग्निशन को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कि हम लोगों ने जो भी बोला उसको रिकॉग्नाइज करके वो टेक्स्ट में कन्वर्ट करें, जो भी हम लोगों ने उसकी में वर्ड बोला, ठीक है, तो उसको वो हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, ये एक उसकी एग्जाम्पल है, यहाँ पे हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल ए का वर्ड बोला तो उसने ए को हाईलाइट कर दिया, जो भी हम लोग वर्ड यहाँ पे बोल रहे हैं वो उसको हाईलाइट करके एक सेंटेंस या एक वर्ड में कन्वर्ट करते, ठीक है। स्पीच रिकॉग्निशन हमारे पास यूजफुल काइंड, ये हमारे पास यूजफुल है जब हम बात करते हैं सिंगल यूजर की और लिमिटेड वोकैबुलरी की बात करते हैं, वहाँ पे हमारे पास जो है ये यूजफुल है, जैसे कंप्यूटर डिक्टेशन की, ये ओपन यूज है, ठीक है, ओपन यूज लिमिटेड वोकैबुलरी की बात करते हैं, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है सम वॉइस एक्टिवेटेड टेलीफोन सिस्टम, कहाँ पे ये हमारे पास यूजफुल नहीं है, कहाँ पे हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो हमारे पास जनरल यूजर्स के लिए, जहाँ पे हम लोग वाइड वोकैबुलरी की बात करते हैं वहाँ पे हमारे पास जो है ये प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। ग्रेट प्रोफेशनल जो है हाउएवर व्हेन यूजर हैंड्स आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, कहाँ पे ये हमारे पास स्पीच रिकॉग्निशन जो है वो हेल्पफुल साबित हो रहा है, जहाँ पे हमारे पास जो है कहीं पे अगर हमारे पास कोई यूजर्स है वो कोई डायरेक्टली टाइपिंग कर रहा तो वो हमारे पास स्पीच रिकॉग्निशन को यूज़ करें कि वहाँ पे वो कोई भी वर्ड बोल रहा है तो वो टाइप हो रहा है, ठीक है। फॉर यूजर विद फिजिकल डिसेबिलिटीज के लिए ये हमारे पास जो है वो हेल्पफुल है, ठीक है। उसके बाद लाइट वेट मोबाइल डिवाइसेस हमारे पास ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। स्पीच सिंथेसिस हमारे पास क्या है, रीजनरेशन ऑफ स्पीच, ठीक है, जो हमें लोग जो भी बोल रहे हैं उसकी जनरेशन है, यानी कि हम लोग जो है टेक्स्ट टू स्पीच इसको हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। यूजफुल कहाँ है हमारे पास, ये नेचुरल एंड फेमिलियर वे ऑफ रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पे है, इसकी प्रॉब्लम क्या, सिमिलर टू रिकॉग्निशन प्रोसोडी पार्टिकुलरली। एडिशनल प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, इसमें इंट्रूसिव है, नीड हेडफोन्स इसमें हमारी जरूरत है, और क्रिएट नॉइज़ इन दी वर्क प्लेस, ठीक है। ट्रांसलेट हार्डर टू रिव्यू एंड ब्राउज, ठीक है। ये हमारे पास यूजफुल का है स्पीच सिंथेसिस, ये हमारे पास सक्सेसफुल इन सर्टेन कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन व्हेन द यूजर, कहाँ पे, जहाँ पे यूजर जो है इस पार्टिकुलरली मोटिवेटेड टू ओवरकम प्रॉब्लम, जहाँ पे वो प्रॉब्लम हैज फ्यू अल्टरनेटिव, यहाँ पे यानी कि कुछ जहाँ पे प्रॉब्लम वो जो मोटिवेट हुआ हो, पार्टिकुलरली मोटिवेट टू ओवरकम प्रॉब्लम, अपने प्रॉब्लम को ओवरकम करना चाहे, हैज फ्यू अल्टरनेटिव, उसके फ्यू अल्टरनेटिव एग्जाम्पल क्या है, इसमें स्क्रीन रीडर है हमारे पास, ठीक है, रीड द टेक्स्ट डिस्प्ले टू द स्क्रीन, ठीक है, यूटिलाइज बाई विजुअली इम्पेयर पीपल। उसके बाद वार्निंग कैसे, वार्निंग सिग्नल हमारे पास क्या है, स्पोकन इन्फॉर्मेशन समटाइम्स प्रेजेंटेड टू पायलट्स हुज विजुअल एंड हैप्टिक स्किल्स आर ऑलरेडी फुली ऑक्यूपाइड, यानी कि ये हमारे पास जो है वार्निंग सिग्नल कोई वगैरह हो हमारे पास तो वहाँ पर हम लोग जो है पायलट वगैरह के लिए यूज़ किया जा रहा था, जहाँ पर हमारे पास जो है वो ऑलरेडी फुली बिजी हो वहाँ पर हम लोग जो है स्पेस सिंथेसिस को यूज़ कर सकते हैं इसीलिए। नॉन स्पीच साउंड्स हमारे पास क्या है, जैसे हम लोग कोई भी हमारे पास जो है स्पीच की एक नॉन स्पीच साउंड, यानी कि कुछ इन लोगों ने जनरल साउंड्स हैं वो क्रिएट किए होते हैं, जैसे बॉइंग्स बैंग स्क्रीक क्लिक है, ठीक है, एटसेट्रा, ये हमारे पास जो है वो कुछ साउंड्स हैं, ठीक है।
इन साउंड्स इज कॉमनली यूज फॉर वार्निंग्स एंड अलार्म्स, यानी कि वार्निंग और अलार्म्स के लिए यूज किए जाते हैं। एविडेंस टू शो दे आर यूजफुल, ठीक है। फिर टाइपिंग मिस्टेक विद की क्लिक, वीडियो गेम्स हार्डर विदाउट साउंड, यानी कि की क्लिक के ऊपर समथिंग हमारे पास क्या होता है कि हम लोगों ने जो है अपना, फॉर एग्जाम्पल किसी जगह पर हम लोग जो है अपना यूजर नेम और पासवर्ड टाइप कर रहे हैं, तो यूजर नेम टाइप करते वक्त वो एक साउंड क्लिक करें कि हम लोग जो है यूजर नेम को वो गलत टाइप करें, ऑन द स्पॉट वो हमें एरर बता दे, ठीक है, मिस्टेक बता दे ऑन द टाइपिंग टाइम पे, कि हम लोग अगर कोई टाइपिंग कर रहे हैं अपने यूजर नेम को या समथिंग, तो वो हमें वहीं पे अलर्ट दे दे कि आप लोग यहाँ पर यूजर नेम जो है वो गलत टाइप कर रहे हैं, तो उसके ऊपर एक साउंड प्रोड्यूस हो, ठीक है। बनी से इसके कि हम पूरा यूजर नेम और अपना पासवर्ड इंटर कर दें एंड देन हम लोग जब क्लिक करें तो फिर एक विंडो हाईलाइट हो, बल्कि ये हमें वहीं पर साउंड एक प्रोड्यूस हो जिससे हमें पता चल जाए कि हम लोगों ने अपना जो यूजर नेम वगैरह वो मिस्टेक वहाँ पे मिस्टेक की है, ठीक है। वीडियो गेम जो है वो हार्डर विदाउट साउंड, ऑब्वियसली बात है कि हमारे वीडियो गेम्स है वो विदाउट साउंड जो है वो बोरिंग के भी हम कह सकते हैं कि इन शॉर्ट फॉर्म के हमारे पास वो बोरिंग हो जाता है विदाउट साउंड, हमारे लिए जो है वीडियो गेम्स के साथ जो है साउंड्स मैंडेटरी है, ठीक है। लैंग्वेज कल्चर इंडिपेंडेंट है हमारे पास, यानी कि यह अनलाइक स्पीच, यानी कि हमारे पास जो है हर चीज़ का एक पार्टिकुलरली जो है वो समझ लें कि साउंड क्रिएट किया गया है, कि हमारे पास जो है वो इंडिपेंडेंट है किस किस से, लैंग्वेज से और कल्चर से। जैसे हम लोग, मैंने एक एग्जांपल दी थी वो यहाँ पे तो नहीं हो रही, कि जैसे रेड एंड लाइट का मतलब होता है वो एक वार्निंग है, ग्रीन का मतलब यह है कि वो पीसफुल है, ठीक है। तो सिमिलरली बस इस तरह से जो है ये इंडिपेंडेंट है कल्चर से, कि यहाँ पे कुछ ऐसी साउंड क्रिएट की गई हैं जो हर जगह यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। जैसे बिंग बॉइंग जो है ये वाली हमारे पास जो है साउंड जो है वो नेचुरली यूज़ की जा रही है फॉर एवरीवेयर, जो कि कल्चर फ्री है, ठीक है। नॉन स्पीच साउंड यूजफुल कहाँ पे यूज़फुल है, ये हमारे पास डॉल मोड डिस्प्ले में हमारे पास यूज़फुल है, ठीक है, और साउंड गुड फॉर है, ठीक है। डॉल मोड डिस्प्ले में क्या है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड अलॉन्ग टू डिफरेंट सेंसरी चैनल, जहाँ पे हम लोग जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हैं दो डिफरेंट सेंसरी चैनल्स पर, रेड्यूडेंट प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, रेजोल्यूशन ऑफ एम्बिग्युइटी इन वन मोड थ्रू इंफॉर्मेशन इन अनदर, ठीक है। ये रेजोल्यूशन ऑफ एम्बिग्युइटी जहाँ पे हम लोग जो है अपना इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करें फ्रॉम वन मोड टू अनदर, ठीक है। साउंड गुड फॉर क्या, ट्रांसलेट इन्फॉर्मेशन है, बैकग्राउंड स्टेटस इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल साउंड कैन बी यूज एज अ रेड्यूडेंट मोड इन एप्पल मैकिटोन्स, ठीक है। यहाँ पे जो भी हमारे पास जो था नॉन स्पीच साउंड थी, हमारे पास जो सबसे पहले यूज़ की गई थी वो एप्पल मैकिटोन्स मैकिटोन्स में यूज़ की थी, तब बाद में हम लोगों ने फिर बाकी इसको विंडोज वगैरह में यूज़ करना शुरू किया, जैसे ऑलमोस्ट एनी यूजर एक्शन, अगर हम फाइल सिलेक्शन कर रहे हैं, विंडो एक्टिव कर रहे हैं, ठीक है, डिस्क इंसर्ट कर रहे हैं, सर्च एरर कर रहे हैं, ठीक है, कॉपी कंप्लीट हो रहा है, तो इन सब के ऊपर हमारे पास जो है डिफरेंट जो है साउंड्स जो है वो क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है सबसे पहले एप्पल मैकिंटोश में यूज़ हुआ था, बाद में हम लोगों ने फिर यही साउंड्स वगैरह जो है विंडो वगैरह और डिफरेंट उसमें भी यूज़ हो रही हैं, एप्लीकेशन वगैरह में भी। ऑडिटरी आइकन्स हमारे पास क्या है, ऑडिटरी यूज नेचुरल साउंड्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट और एक्शंस, नेचुरल साउंड्स हैव एसोसिएटेड सिमेंटिक्स विच कैन बी मैप ऑन टू सिमिलर मीनिंग्स इन द इंटरेक्शन, थ्रोइंग समथिंग अवे, यानी कि इसका क्या मतलब है कि हम लोग जो है कोई भी चीज़ है वो थ्रोइंग करें समथिंग अवे, कोई भी चीज़ है, ठीक है। तो साउंड ऑफ स्मैशिंग ग्लास, उसमें हमारे पास जो है वो स्मैशिंग ग्लास, जैसे हम लोग अपना जो है एम्प्टी करते हैं अपने ट्रैशमिन को, ठीक है, तो उसके ऊपर स्मैशिंग ग्लास की जो है साउंड क्रिएट हो रही है, ठीक है। प्रॉब्लम नॉट ऑल थिंग्स हैव एसोसिएटेड मीनिंग, यानी कि हमारे पास जो जो इसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो यही है कि जितनी भी हमारे पास एप्लीकेशन या जो तमाम की तमाम चीज़ों के पास हमारे पास एसोसिएटिंग मीनिंग की साउंड्स नहीं है, ठीक है। तो देन हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैन ऑल्सो भी प्रेजेंटेड, मफर्ड साउंड्स हैं हमारे पास इफ ऑब्जेक्ट इज ऑब्स्क्योर और एक्शन इज इन दी बैकग्राउंड, ठीक है। जो भी हमारे पास बैकग्राउंड में ऑप्शन वगैरह एक्शन हो रहे हैं तो उसके लिए यूज हो रहा है, ठीक है। यूज़ ऑफ स्टीरियो अलाउज पोजिशनल इन्फॉर्मेशन टू बी एडिड, ठीक है। हम स्टीरियो इसमें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो कि अलाउ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि पोजिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो हम उसमें ऐड कर रहे हैं। सोनिक फाइंडर फॉर दी मैकिंटोश, आइटम्स एंड एक्शंस ऑन द डेस्कटॉप हैव एसोसिएटिव साउंड, जो भी हमारे पास आइटम्स और एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं ऑन द डेस्कटॉप वो उसके थ्रू जो है सम हमारे पास जो है साउंड एसोसिएट हुई है, ठीक है।
जैसे फोल्डर्स है वहाँ पेपरी नॉइज, ठीक है, मूविंग फाइल्स जो है वो ड्रैगिंग साउंड है हमारे पास, कॉपिंग जो है वो प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई हमारे पास कॉपिंग, तो उसके लिए हमारे पास साउंड ऑफ आर लिक्विड बींग प्योर इन टू आर रिसेप्टेकल, ठीक है, रेजिंग विच इंडिकेट्स द प्रोग्रेस ऑफ द कॉपिंग, यानी कि हमारे पास जो है यहाँ पे एक वो है कॉपिंग कर रहे हैं किसी फाइल को एक फोल्डर से दूसरी जगह पे, ठीक है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन कह लें, एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी, जब हम अपनी फाइल को कॉपी कर रहे हैं तो उस टाइम ड्यूरेशन में क्या हो रहा है कि हमारे पास जो है एक साउंड क्रिएट हो रही है, जैसे ही प्रोग्रेस इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास उसके पीच में भी इजाफा होता जा रहा है, ठीक है। बिग फाइल्स हैव लाउडर साउंड्स एंड स्मॉलर वंस, कि जो हमारे पास वो बिग फाइल्स हैं उनकी साउंड जो है वो लाउडर है एज कम्पेयर टू स्मॉलर के, ठीक है। फिर हमारे पास आ रहे हैं एयरकॉन्स, एयरकॉन्स हमारे पास क्या है, ये सिंथेटिक साउंड्स आर यूज टू कन्वे इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये क्या है, स्ट्रक्चर कम्बिनेशन ऑफ नोट्स, ये जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है एक्शंस एंड ऑब्जेक्ट्स को, ये मोटिव्स हैं कंबाइंड टू प्रोवाइड रिच इन्फॉर्मेशन, जैसे कंपाउंड एयरकॉन्स है, ठीक है, मल्टीपल हमारे पास मोटिव्स कंबाइंड टू मेक अ वन मोर कॉम्प्लिकेटेड एयरकॉन्स, यानी कि हम लोगों ने ये फाइल्स क्रिएट की हैं, ठीक है, तो इससे हमारे पास जो फाइल क्रिएट हो रही है वो एक कंप्लीट कॉम्प्लिकेटेड एयरकॉन जो है वो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ये नॉट गेटिंग लाउडर है, ठीक है, हाई लो नॉट्स हैं, इन दोनों को जो हमने कंबाइन किया है, ठीक है, कंबाइन करने के बाद ये हमारे पास जो है कॉम्प्लिकेटेड एयरकॉन जो है वो क्रिएट हो रहा है। हमारे पास फैमिली एयरकॉन्स हैं जो कि सिमिलर टाइप्स ऑफ एयरकॉन्स रिप्रेजेंटेड सिमिलर क्लासेस ऑफ एक्शंस और सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, यानी कि अगर हमारे पास जो है फैमिली एयरकॉन्स क्या है वो हमारे पास सिमिलर टाइप्स ऑफ एयरकॉन्स है जो कि रिप्रेजेंट करते हैं किसको, सिमिलर क्लासेस को ऑफ एक्शन और सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। दी फैमिली ऑफ एरर्स वुड कंटेन सिंटेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एरर्स, यानी कि इसमें जो है जो भी हमारे पास एरर होगा दी फैमिली ऑफ एरर्स वो उसमें क्या क्या चीज़ हमारे पास होगी, सिंटेक्स और ऑपरेटिंग सिस्टम एरर्स कंटेन कर होगा, ठीक है। एयरकॉन्स इजीली ग्रुप एंड रिफाइंड ड्यू टू कंपोजिशनल एंड हायरार्किकल नेचर, यानी कि इजीली ग्रुप किया जा सकता है, ठीक है। एंड डिफिकल्टी इसकी क्या है, वो क्या है, हार्डर टू एसोसिएट विद द इंटरफेस टास्क सिंस देर इज नो नेचुरल मैपिंग, यहाँ पे कोई नेचुरल मैपिंग नहीं है इसलिए हम लोग इसका इंटरफेस क्रिएट एसोसिएट नहीं कर सकते विद किसके इंटरफेस टास्क के, ठीक है। टच हमारे पास क्या है, हैप्टिक इंट्रैक्शन है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। कॉन्टेनियस परसेप्शन है, ठीक है, टेक्टाइल सेंसेशन, वाइब्रेशन ऑन द स्किन जो है, काइनेस्थेटिक क्या है, ये हमारे पास मूवमेंट एंड पोजीशन है, फोर्स फीडबैक है, ठीक है। इंफॉर्मेशन ऑन शेप हमारे पास है, टेक्सचर है, रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर है, कंपेरेटिव स्पेशल फैक्टर है हमारे पास। एग्जाम्पल टेक्नोलॉजीज हमारे पास क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ब्रेली डिस्प्ले है, ठीक है, फोर्स फीडबैक डिवाइसेज है हमारे पास, जैसे कि फैंटोम है हमारे पास, रेजिस्टेंस और टेक्सचर है हमारे पास, ठीक है। हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन हमारे पास जो है, आप लोगों ने कुछ ऐसे टैबलेट्स वगैरह देखे होंगे जहाँ पे हम लोग जो है अब अपने ही हाथ से जो है वो टेक्स्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग हैंड राइटिंग है उसमें हमारे पास, ठीक है। तो हैंड राइटिंग बेसिकली क्या है, ये एक अनदर कम्युनिकेशन मैकेनिज्म है जो कि यूज़ किया जाता है कहाँ पे, आजकल के हम लोग लाइफ में इसको इजीली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी क्या है, हैंड राइटिंग कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रोक एंड स्पेसिस कैप्चर बाय डिजिटाइजिंग टैबलेट है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है स्ट्रोक ट्रांसफर टू सीक्वेंस ऑफ डॉट्स में हम लोग कर रहे हैं। लास्ट टैबलेट हमारे पास अवेलेबल है जो कि हम लोग जो है मैप्स वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हैं या टेक्निकल ड्राइंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। स्मॉलर डिवाइसेज जैसे हम लोग PDAs हैं, ठीक है, सच एज पाम पायलट या टैबलेट PCS हैं, ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सम स्मॉलर डिवाइसेस सम इनकॉर्पोरेटिंग थिन स्क्रीन है हमारे पास इसमें, यानी कि जैसे PDA वगैरह टैबलेट में हमारे पास क्या है, ये कंसिस्ट हो रही होती हैं थिन स्क्रीन्स पे, ठीक है, टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन। इसमें हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती है, पर्सनल डिफरेंसेस इन लेटर इंफॉर्मेशन, यानी कि ऑब्वियसली बात है हर हैंड राइटिंग जो है दूसरे हैंड राइटिंग से डिफरेंट होती है, तो इसलिए हमारे पास जो है इसमें पर्सनल डिफरेंसेस आ रहे हैं लेटर फॉर्मेशन में। को आर्टिकुलेशन इफेक्ट है, ठीक है। ब्रेक थ्रू स्ट्रोक नॉट जस्ट बिट मैप, यहाँ पे हमारे पास यानी कि स्ट्रोक्स हैं जो बिट मैप नहीं है, जैसे हम लोग नॉर्मल स्किन की बात कर रहे होते हैं, स्पेशल अल्फाबेट्स यहाँ पे, ठीक है, यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। करंट स्टेट है हमारे पास यूजेबल कहाँ पे, इवन विदाउट ट्रेनिंग हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, बट मैनी प्रीफर कीबोर्ड, यानी कि इसमें जो है मैनी जो है वो प्रीफर किया जा रहा है कीबोर्ड को। देन है हमारे पास गेस्चर, गेस्चर हमारे पास क्या है, वो एक एप्लीकेशन है जैसे हम जहाँ से जैसे इनपुट है जहाँ पे हम पुट देयर दियर, साइन लैंग्वेज है हमारे पास, ठीक है। टेक्नोलॉजी में हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजी में हमारे पास डेटा क्लब है, पोजीशन सेंसिंग डिवाइसेस है, MIT मीडिया रूम जैसे के, ठीक है। बेनिफिट इसका क्या है, ये हमारे पास नेचुरल फॉर्म ऑफ इंट्रैक्शन है, जैसे हम पॉइंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, इनहेंस हम लोग कम्युनिकेशन बिटवीन
साइनिंग एंड नॉन साइनिंग यूजर्स के बीच में हम लोग क्या करें, इन्हेंस करें अपनी कम्युनिकेशन को, इन कम्युनिकेशन को इंक्रीज करें. प्रॉब्लम कहाँ यूज़ हो रहा है, यूज़र डिपेंडेंट है ये, ठीक है. वेरिएबल एंड इश्यूज ऑफ को आर्टिकुलेशन में हमारे पास जो है प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है. यूजर्स विद डिसेबिलिटीज, इसमें हमारे पास क्या बेनिफिट हो रहे हैं, जैसे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल विजुअल इम्पेयरमेंट है, ठीक है. उसमें हमारे पास जो है क्या चीज़ें हैं, उसमें हमारे पास स्क्रीन यूज़ हो सकती है, रीडर एंड सोनिक फाइंडर है. हेयरिंग इम्पेयरमेंट है तो वहाँ पर टेक्स्ट कम्युनिकेशन है, गेस्चर कैप्शन है. फिजिकल इम्पेयरमेंट है, वहाँ पर हम लोग स्पीच इनपुट आउटपुट है, हमारे पास आई गेज है, गेस्चर्स हैं, प्रिडिक्टिव सिस्टम्स हैं, हमारे पास रिएक्टिव कीबोर्ड्स हैं. स्पीच इम्पेयरमेंट की जब हम बात करते हैं वहाँ पे हमारे पास जो है स्पीच सिंथेसिस है, टेक्स्ट कम्युनिकेशन है. हमारे पास डिलेक्सिया की अगर हम बात करते हैं वहाँ पे हमारे पास क्या है, स्पीच इनपुट आउटपुट की हम बात कर रहे होते हैं. ऑटिज्म की बात करें वहाँ पे हमारे पास जो है कम्युनिकेशन और एजुकेशन है. अगर हम लोग एज ग्रुप की बात करें तो एज ग्रुप में हमारे पास कुछ यहाँ पे ओल्डर पीपल्स की बात की जाती है. यहाँ पे हम यहाँ पे चिल्ड्रंस के बीच में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं, ठीक है. ओल्डर पीपल्स में हमारे पास जैसे कि डिसेबिलिटी एड्स है, मेमोरी एड्स है, ठीक है. कम्युनिकेशन टूल्स टू प्रिवेंट सोशल आइसोलेशन है, ठीक है. अगर हम बात करते हैं चिल्ड्रंस की, वहाँ पे अप्रोप्रिएट इनपुट आउटपुट हम लोग डिवाइसेस की बात कर रहे होते हैं, ठीक है. वहाँ पे हम लोग इन्वॉल्वमेंट करते हैं किसकी, डिज़ाइन प्रोसेस की. अगर हम कल्चरल डिफरेंसेस की बात करें, ठीक है, वहाँ पे हम लोग इन्फ्लुएंस करते हैं ऑफ नेशनैलिटी को, जनरेशन, जेंडर, रेस, ये सारी हमारे पास जो है इसकी कल्चर में हमारे पास जो है इन सब की, जेंडर, रेस, क्लास, रिलीजन, पॉलिटिकल प्रेशराइजेशन एट्सेट्रा, इन सब का डिफरेंस आ रहा होता है, ठीक है. अगर हम लोग बात करें इंटरप्रिटेशन की, ठीक है, एंड एसेसिबिलिटी ऑफ लैंग्वेजेस की, कल्चर सिंबल्स की, गेस्टर्स की, कलर्स की, तो हम लोग जब बात करते हैं कल्चर डिफरेंसेस की तो ये सारे डिफरेंसेस हमारे पास जो हैं क्रिएट हो रहे होते हैं जब हम लोग कल्चर टू कल्चर की बात कर रहे होते हैं. यहाँ तक तो हमारा ये बच्चों ये चैप्टर. अगर आप लोगों को कोई भी इस चैप्टर में इशू हो या कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप मुझसे सैटरडे की लाइव क्लास में क्वेश्चन कर सकते हैं. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.